वी आर स्टेइंग इन दिस हेडक्वार्टर खजुराहो जो कि हॉस्टल है और ये बहुत ही करीब है हमारे वेस्टर्न ग्रुप के टेंपल से। यहाँ से आप जाएंगे बाहर, ये वेस्टर्न टेंपल, ये तालाब है, उसके सामने ही है हमारा होटल। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45। हम लोग 5 बजे उठ के तैयार वैयार हो गए, बस पन्ना नेशनल पार्क के लिए निकलने ही वाले हैं। हमको यहाँ पर सामने जिप्सी मिल गई है, हम जुगाड़ बैठा रहे हैं अपनी कि वो दो लोग अपने बुक करिए और उसका किराया 4,000 है, पूरे टिकट सब गाइड मिला के शेयरिंग के। बस बोला हम लोगों ने कि हम भी दो यहाँ पे दो स्प्लिट कर लेंगे, बस वही जुगाड़ बैठानी है, नहीं तो हमको वही गेट पर जाके टिकट खरीदनी पड़ेगी। इसमें पानी रहता है। पानी कहाँ से आ रहा है? स्प्रिंग वाटर, पहाड़, पहाड़ों से झर रस की। और ये सब अर्जुन के पेड़ है, दिखा ये वो है, वो ये बड़ा पेड़ है। हाँ, उसी के बिल्कुल देखिए कह रहे वो है बिल्डिंग है, उसके बगल में बड़ा वो है, वो है वो सामने सामने बिल्डिंग है, सामने सामने दिख रही, बहुत सामने दिख रही अभी जी, अरे बिल्कुल चेस्ट दिख गया, दिख गया, दिख गया, बिल्कुल सामने, अरे दिख गया, अरे वो है फोटो में बना है कहां आंखें ढूंढो रे, ढूंढो साजन, टाइगर को ढूंढो। हमने अभी आपको जो दिखाई जगह हमको वहाँ दिखी थी, वो भी नदी के उस पार, तो बहुत कम दिखी है ना, बड़ी थी, अलग थी, बस अलग दिखी, वो मादा थी। जब से सबके सब लोग देख रहे हैं और जा रहे हैं दूसरी जगह देखने के लिए, दूसरे टाइगर के एरिया में। ये कुछ है मोर, पीकॉक, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड।
जो नदी थी ये केन नदी थी, और हम लोग का रिफ्रेशिंग टाइम था ये, तो हम लोगों को कुछ खाना पीना नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पर मस्त टाइम स्पेंड करा। घड़ियाल भी दिख रहे थे हमको नदी में, और बहुत अच्छा लगा वहाँ बैठ के फोटोज वोटोज़ क्लिक करे। देन हम लोगों को वापस जाने का टाइम हो गया था। सो हम लोगों को बहुत सारे एनिमल्स दिखे, बट एज सच हम लोगों को टाइगर जो हमको अच्छे से देखना था वो नहीं दिखा। जैसे कान्हा या बांधागढ़ में आराम से दिख जाता है जनरली, हम लोगों को यहाँ पर स्पॉट अच्छे से नहीं हुआ। बट फिर भी हमको बहुत अच्छा लगा नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में आके पन्ना के। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल, देन वहाँ से चेकआउट करके हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व में आप आ रहे हैं तो आपको फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी मिलेंगी, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, नेचुरल सीनरी बहुत अच्छी है। एंड मेरी पूरी बुंदेलखंड की सीरीज़ देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन से सबकी लिंक मिल जाएगी। सो इसी नोट पे आप लोगों को मैं बाय बाय बोलता हूँ। सबा केयर, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।